बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द ऑब्स्टेट्रिक टॉपिक एपिसियोटमी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि एपिसियोटमी क्या होती है, इसे अक्सर नेटिव लैंग्वेज में छोटा ऑपरेशन भी कहते हैं। ठीक है, एपिसियोटमी इज अ सर्जिकल इंसिजन ऑफ द प्रीनियम परफॉर्म ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर टू एनलार्ज द वल्वेट आउटलेट एंड असिस्ट द वजाइनल बड। क्या करते हैं कि सर्जिकल इंसिजन देते हैं प्रीनियम के ऊपर सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर में, ताकि वल्वेट वल्वेट जो आउटलेट है वो एनलार्ज हो जाए और वजाइनल बर्थ असिस्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रूटीन एपिसियोटमी वाज नॉट प्रोटेक्टिव मोर सीवियर प्रीनियल टियर। आगे इसमें इतना कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब सर्जिकल टेक्निक। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना है, द क्वेश्चन ऑफ द इन्फॉर्म कंसेंट लेनी है आपने पेशेंट से। ठीक है, एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करनी है व्हेन द फीटल हेड, जब फीटल हेड क्रोन हो जाता है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन द ट्रू कंसेंट। ठीक है, आपने उसे पहले ही पूछ लेना एंटीनेटल केयर में ही। ठीक है, उसके बाद है कि एपिसियोटमी इज परफॉर्म ये सेकंड स्टेज में की जाती है व्हेन द प्रीनियम इज स्ट्रेच। ठीक है, इट इज़ नेम नेसेसरी फॉर एग्जाम्पल, अगर तो डिलीवरी नीड्स टू बी एक्सपेडिटेड फॉर द फीटल ब्रेडिकार्डिया। फिटर इसमें क्या करेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल वैन द डिलीवरी नीड्स टू बी एक्सपेक्टेड फॉर द फीटर ब्रेडिकार्डिया, देर इज नो गुड एपिड्यूरल पेरिनियम, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया पेरिनियम शुड बी इन फीटर पेरिनियम, को आपने लोकल एनेस्थीसिया अप्लाई करना है। इफ अगर तो इफेक्टिव है एपिड्यूरल एनेस्थेटिक इज इन द प्लेस एंड टाइम, इट वुड बी टॉप अप फॉर द डिलीवरी विद द पेशेंट अप्लाई टू गेट द बेस्ट कवरेज ऑफ द पेरिनियल एरिया। आपने क्या करना है, मिड लाइन पे और या फिर पोस्टीरियर एंड ऑफ द वल्वा के एंगल पर। ठीक है, मिड लाइन या फिर पोस्टीरियर एंड ऑफ द वल्वा के एंगल पर इंसिजन देना है। मीडियो लेटरल एपिसियोटमी देनी है आपने क्या, 60 एंगल टू द मिड लाइन, मिड लाइन से 60 के एंगल पर आपने मीडियो लेटरल इंसिजन देनी है। मिड लाइन एपिसियोटमी इज एन इंसिजन इज कंपैरेटिवली ए वैस्कुलर एरिया रिजल्टिंग इन लेस ब्लीडिंग। जो मिड लाइन जब एपिसियोटमी देते हैं इसके अंदर लेस ब्लीडिंग होती है, ए वैस्कुलर एरिया होता है और जल्दी से हील हो जाता है, लेस ब्लीडिंग होती है। लेकिन इसका एक नुकसान यह है कि इसमें इंक्रीज रिस्क ऑफ द एक्सटेंशन टू इन्वॉल्व द एनल स्फिंक्टर को इन्वॉल्व कर लेती है। ठीक है, जो आप प्रेफर करते हैं वो मीडियो लेटरल होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि पोस्टीरियर फोरचेट के ऊपर तो आपने स्ट्रेट लेके आना होता है, फिर बैकवर्ड मूव करते हैं, फिर टर्न मीडियली वेल बिफोर, मतलब इन स्फिंक्टर के आने से पहले आप मीडियली मूव कर जाते हैं। ठीक है, एनी एक्सटेंशन विल अवॉइड दिस, इसमें स्फिंक्टर डैमेज नहीं होता लेकिन इसमें ये थोड़ी देर से रिपेयर होता है। ठीक है, एज अ सेकंड अनलेस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एनेस्थेटिक। आप इसकी कॉम्प्लिकेशन देखते हैं शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि पेरिनियल ट्रॉमा, इसके में पेन होगी, इन्फेक्शन होगा और हैमरेज। क्या हो सकता है, जब भी कोई होगा वो तो पेन होगी, इन्फेक्शन होगा, हैमरेज। लॉन्ग टर्म के अंदर क्या होगा, डिस्पेरोनिया होगा। ठीक है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ द यूरिन है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ द प्लेटलेट्स और द फेसेस है। ठीक है, दिस मॉर्बिडिटी कैन बी हैव द प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द वुमन हेल्थ। आगे हम देखते हैं कि इंडिकेशन ये कब कब करवाते हैं हम, इन द सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर टू प्रिवेंट द शोल्डर डिस्ट्रोशिया को प्रिवेंट करने के लिए। ये हमने एपिसोड में पढ़ा था, शॉर्ट पेल्विस हो तब फीटल डिस्ट्रेस में, शॉर्ट पेल्विस हो, फीटल डिस्ट्रेस हो, सीवीडी पेल्विस हो। ठीक है, फ्लोर सर्जरीज कराने में टर्नल एग्जॉस्ट होगी। अब हमने सूचिंग के स्टेप्स देखने हैं। सबसे पहले आपने वेजाइना की वॉल को सूचर करना है। ठीक है, फिर आपने वेजाइना ट्रोमा के एपेक्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर सूचर करना है पेरिनियल मसल को। ठीक है, फिर इसमें नीडल नीडल को ठीक है इसमें नीडल इंसर्ट करते हैं और हाइमन के रिस्क को प्रिवेंट करते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, पेरिनियल मसल के अंदर नीडल को इंसर्ट करना है, फिर सूचिंग करनी है स्किन लेयर की। सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रक्चर वेजाइनल वॉल को सूचर करना है, फिर आपने एपेक्स ऑफ द वेजाइनल ट्रोमा को आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने पेरिनियल मसल को सूचर करना है और फिर सूचर करना है स्किन की लेयर को। पहले वेजाइना की वॉल को, फिर मसल्स को और फिर स्किन इंजरी को, स्किन लेयर को। ठीक है, अब हम इसके आगे से की रनिंग, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या आती है कि एपिसियोटमी में कौन से स्ट्रक्चर कट होते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कौन से स्ट्रक्चर कट होते हैं। एक तो सबसे पहले क्या होगा, जो स्किन है वो कट होगी, फिर सबकुटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व होगा, फिर सुपरफिशियल और डीप ट्रांसफर पेरिनाई मसल बल्बो स्पॉन्जियसिस और इसके बाद पार्ट ऑफ द लिवेटर एनआई भी हो सकता है। ठीक है, फेशिया कवरिंग, जो फेशिया कवर किया होता है वो ट्रांसफर पेरिनियल ब्रांचेस ऑफ द पेडेंटल वेसल, जो पेडेंटल नर्व वेसल की ट्रांसफर पेरिनियल ब्रांचेस और पोस्टीरियर वजाइनल वॉल। क्या क्या, स्किन सबकुटेनियस टिश्यू सुपरफिशियल डीप ट्रांसफर मसल फेशिया कवरिंग मसल ट्रांसफर पेरिनियल ब्रांच ऑफ द पेडेंटल और पोस्टीरियर वजाइनल वॉल। ये यूक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है। अब हम इसके की लर्निंग पॉइंट्स देख लेते हैं, यहाँ पे इतने क्लियर नहीं है, इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन आप इसे बुक से ही देख लें। इसमें फर्स्ट और सेकंड डिग्री टीयर होगा, अनकॉम्प्लिकेटेड एपिसोड में को प्रिपेयर कर देते हैं, एपिड्यूरल और लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, इसको असेस करेंगे। आधा थर्ड और फोर्थ डिग्री टीयर तो नहीं आया, ये भी हम टीयर पढ़ेंगे। थर्ड और फोर्थ डिग्री को आता है सर्जिकल एनेस्थीसिया, उसके बाद आता है एंड टू एंड रिपेयर, उसके बाद आफ्टर केयर, वुमन हु एक्सपीरियंस द पेल्विक फ्लोर इंजरी, मीडियल लेटरल एपिसोड में शुड बी परफॉर्म इन प्रेफरेंस टू द मिड लाइन। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट में वही आपने देना है आइस पैक, लोकल इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करेंगे। इसके यू क्यूज देख लेते हैं, इसमें आप उन्होंने पूछा है इंडिकेशन आप कब करते हैं, मैंने आपको बताया था शोल्डर डिस्ट्रेस को प्रिवेंट करने के लिए सेकंड स्टेज में करते हैं, फीटल डिस्ट्रेस है, अगर सेफलोपेलिक डिस्प्रोपोर्शन है, पेल्विक फ्लोर सर्जरी हुई है, इंटरनल एग्जॉस्टन हुई है, शॉर्ट पेल्विस है। टाइमिंग इसकी सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर है, टाइप्स इसकी क्या होती है, मीडियल लेटरल और मीडियल टाइप्स और स्टेप ऑफ सूचिंग, पहले आपने वेजाइनल वॉल को सूचर करना है, फिर जो एपेक्स है ट्रॉमा की वहाँ वो आइडेंटिफाई करना है, प्रीनियल मसल को सूचर करना है, फिर स्किन के लेयर को। ठीक है,